राखी राठौर, उसके बाद आ रहा हूं स्वयं पुरोहित और हर्षवर्धन त्रिपाठी। राखी राठौर, कौन सा दबाव डाला आपने या कौन से अपना लालच दे दिया नीतीश कुमार को जो वो आपके साथ आ गए अचानक 1.5 साल बाद? देखिए मानव जी, 23 जून को जब पहली बैठक हुई थी इंडिया अलायंस की, तभी से हम इस बात को कह रहे थे कि इनके बीच का जो एक डिससैटिस्फैक्शन होगा, अलग अलग विचारधारा के लोग यहां पर आकर मिले हैं और जल्द ही ये विघटन जो है वो शुरू हो जाएगा। वो बात अब शुरू हो चुकी है और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद में इस अलायंस के पर प्राण पखेरू जो है वो उड़ने शुरू हो गए हैं। पहले बीएसपी ने साथ आने को मना किया, फिर टीएमसी ने, अब उसके बाद आप पार्टी ने पंजाब के अंदर मना कर दिया और अब जेडीयू जो है वो अलग हो गई। जिस तरह से ये लोग मिले थे, जिस विचारधारा के साथ, जिस महत्वाकांक्षा के साथ में, वो साफ थी कि खुद को आगे प्रोग्रेस में लाने के लिए, खुद को आगे प्रोजेक्ट करने का काम था। मैं की जो भावना इस अलायंस में लगातार थी वही सबसे ऊपर हावी रही और आपने देखा कि चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है कि कांग्रेस का रवैया कैसा रहा पूरी जो 6-7 महीने की इनकी जर्नी रही। अभी मेरे आरजेडी के साथी जो है वो जनता ही मालिक की बात कर रहे थे। मैं पूछना चाहती हूं, 2020 में जनता मालिक थी और जनता ने मैंडेट कहां दिया था? जेडीयू और बीजेपी का जो अलायंस था उसको मैंडेट दिया था, उसको कहां रिस्पेक्ट किया आपने? बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए कुछ और होती हैं और करने के लिए कुछ और। भागों में बांटने की भी बात करी और मानक जी आपने देखा इस पूरे पीरियड के अंदर पूरे देश को नॉर्थ साउथ में डीएनए के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने का अगर काम किया तो वो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स नहीं किया है। हम लोग लगातार सबका साथ सबका विकास के काम के साथ, उसे ध्येय के साथ में हम लोगों ने काम किया है और वही रिजल्ट्स आप देखिएगा। लेकिन आपने जो यू टर्न मारा उस पर भी तो जवाब दीजिए। दरवाजे बंद थे, अचानक क्यों खोलने पड़े आपको? पलटी तो आपने भी मारी ना? नहीं मानक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राजनीतिक तौर पे हमारी उनसे मतभेद थे लेकिन वैचारिक तौर पे लगातार आपने देखा कि जेडीयू का, नीतीश जी का, अटल जी के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक अलायंस था, लगातार उनसे जुड़ाव था। और अब आप जब जनता के मैंडेट 2020 के बाद में बिहार के अंदर डबल इंजन की सरकार है, सरकार आने के बाद में आप देखिएगा कि विकास की नई ऊंचाइयों को जैसा बाकी प्रदेशों में हो रहा है वहां पर भी वहां के जो लोग चाहते थे, जो एक्सपेक्टेशन थी, उस पर खरा उतर के हम लोग काम करेंगे। एक नॉर्मल नॉर्मल एक साथ था जो कि पहले से वैचारिक। लेकिन आप इंडिया गठबंधन को खत्म क्यों मान रही हैं? मैंने अभी बताया अभिषेक बनर्जी का बयान, वो कह रहे हैं हम गठबंधन के अंदर ही हैं, सीट शेयरिंग नहीं हुई तो क्या हो गया, चुनाव के बाद देख लेंगे। वैसा ही तो बयान मानक जी, वैसा ही तो बयान है जो कि ममता बनर्जी ने दिया था कि हम जो है वो 31 तारीख तक सीट शेयरिंग होनी थी लेकिन हुई नहीं है, हम इंडिया अलायंस के साथ हैं लेकिन हम जो है वो 42 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। ये बातें लगातार वही चीज तो रिपीट की है और ममता बनर्जी ने जब कह दिया है और उससे नीचे ही है इनका औहदा तो, और उन्होंने किस बेसिस पर कहा है वो भी सबके सामने। अस्तित्व की लड़ाई की बात मेरी कांग्रेस की साथी कर रही थी, पूरे देश में अस्तित्व की लड़ाई कौन सी राष्ट्रीय पार्टी कर रही है ये हर जना जानता है। लगातार आप न्याय यात्रा में देखो, आसाम गई तो वहां के कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की, वो टीएमसी ने छोड़ दिया जैसे ही बंगाल पहुंचे, बिहार पहुंचे वैसे ही जेडीयू ने साथ छोड़ दिया। अभी आगे आगे देखिए कि एक आदमी को प्रोजेक्ट करने के लिए उसको रीलॉन्चिंग जो चल रही है वो किस हाल में लाकर के कांग्रेस पार्टी को। ऑल राइट, स्वयं पुरोहित और हर्षवर्धन।